हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आईसीएमआर ने निकाला है। और इस नोटिफिकेशन में जो है हम डिस्कस करेंगे साइंटिस्ट बी की पोजीशन, उसकी एलिजिबिलिटी और क्या क्या पोस्ट हैं, और आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आईसीएमआर ने अपना एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था जो कि 12 सितंबर 2020 को था। इस पे इसने जो है पोस्ट निकाली है साइंटिस्ट बी पोजीशन के लिए, ठीक है, बाय PGIMER चंडीगढ़। ओके, तो आपको यहाँ पे दिखेगा साइंटिस्ट बी की पोजीशन। अब जो ये साइंटिस्ट बी का जो रिक्रूटमेंट होगा, ये होगा एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे, या वो अपना जो एंट्रेंस एग्जाम लेने के बाद मे भी वो इंटरव्यू भी कंडक्ट करा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है PGIMER पे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग, जो साइंटिस्ट बी की जो पोजीशन है वो सारी कैटेगरी में निकाली गई है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में सब में निकाली गई है। अब देख लिए हम, अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। देखिए, जो ये ओपनिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो है 12 सितंबर 2020। वही अब बात की क्लोजिंग डेट की, तो क्लोजिंग डेट है 2 अक्टूबर 2020, ठीक है। अब बात करते हैं ओपनिंग डेट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड फॉर डाउनलोडिंग फ्रॉम PGIMER एंड आईसीएमआर वेबसाइट, वो 20 अक्टूबर है, ठीक है। तो देखिए, 20 अक्टूबर को आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम सीबीटी की बात करें, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, जो कि 40-80 मार्क्स के लिए होगा, उसका जो डेट है इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो वो है 1 नवंबर, ठीक है। तो 1 नवंबर को जो एग्जाम की डेट ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर दी है। इसके बाद इन्होंने एक्सपेक्टेड डेट भी दे रखी है कि आपका जो एक्सपेक्टेड डेट होगा रिजल्ट का, वो भी होगा 20 नवंबर, यानी 20 नवंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा। अब हम बात करें एप्लीकेशन फी की। तो देखिए, एप्लीकेशन फी अगर आप PWBD कैटेगरी के हैं तो आपको कोई भी फी पे नहीं करनी है। वहीं अगर आप SC ST EW से वुमेन है तो आपको यहाँ पे 1500 प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज जो कि लगता है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप अदर हैं, जैसे कि जनरल या ओबीसी हैं, तो आपको यहाँ पे 2000 रुपीज जो है वो आपको यहाँ पे करने होंगे। अब पेमेंट जो है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बाई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो आप www.pgimer.edu.in पर देख सकते हैं, या www.icmr.nic.in पे। तो आपको फर्दर, जैसे कि आपको रिजल्ट देखना होगा, या अगर आपको जो लिस्ट देखनी होगी शॉर्ट लिस्ट है कैंडिडेट की, तो वो सब जो है आपको इन दोनों ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेंगे, इसके अलावा किसी और वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो देखिए, डिटेल ऑफ SC ST कैटेगरी बैकलॉग वैकेंसी भी हैं जो कि फिल करनी है, तो उसके लिए अलग से वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन हम देखेंगे करंट वैकेंसी, ठीक है। तो डिटेल्स ऑफ द करंट वैकेंसी है, देखिए SC ST के लिए 19 और 9 है, ओबीसी के लिए 34 है। अब देखिए, ये जो कैटेगरी है इन्होंने 2 कैटेगरी में वैकेंसी को डिवाइड कर दिया है, एक है मेडिकल, एक नॉन मेडिकल, ठीक है। अगर आपने MBBS किया है तो आपको अलग मेडिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, अगर आपने नॉन मेडिकल है मतलब MSc किया है, PhD किया है, तो आपको यहाँ पे नॉन मेडिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। तो देखिए, अगर हम ओबीसी में देखें तो टोटल 34 वैकेंसी है, जिसमें 17 जो मेडिकल है और 17 नॉन मेडिकल है। ऐसे EWS में 12 और अनरिजर्व में 51 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, आप जिस वैकेंसी में आप जो है जिस कास्ट के या जिस कैटेगरी में आते, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिल कर सकते हैं अपनी कैटेगरी। अब देखिए, इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे रखा है। देखिए, अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड के हैं तो आपका MBBS होना जरूरी है, और जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। अगर आप नॉन मेडिकल हैं तो आपका जो है एज लिमिट 35 ईयर्स, और इन्होंने क्वालिफिकेशन भी दे रखी है। अगर आपने पीजी डिग्री आपके पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपका सेकेंड क्लास पीजी डिग्री है और आप जो हैं आपने PhD किया है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से, तब भी आप जो है एलिजिबल हैं, ठीक है। कैंडिडेट हैविंग फॉलोइंग सब्जेक्ट नीड नॉट टू बी अप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वो कैंडिडेट जिन्होंने अपने जो पीजी वो केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्पेशलाइजेशन हेल्थ इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी अगर इससे किया है तो वो यहाँ पे अप्लाई ना करे, उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है कि नो एज रिलैक्सेशन फॉर जनरल कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी।
ओके तो अनरिजर्व कैटेगरी के कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। वहीं अगर आप एससी एसटी बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का, ओबीसी से बिलोंग करते हैं 3 ईयर्स का, पीडब्ल्यू बीडी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 10 ईयर्स का जो है आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी और भी रिलैक्सेशन, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं आप जिस कैटेगरी में हो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप जो है एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दे रखे हैं, जो शेड्यूल का शेड्यूल टाइप या ओबीसी के लिए हैं और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी दिए गए। मैं इसे डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए और जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है मैं आपको बता देता हूँ, तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं देखते हैं। अब देखिए जो मेन चीज है वो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, आपका जो एग्जाम हो क्या है उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए जो एग्जाम होगा वो टोटल आपको 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का इंटरव्यू। जैसे आपको बताया सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अगर आपका उसमें जो क्वालिफाई मार्क्स है अगर आप उतना लाते हैं तो आई थिंक मे बी फॉर जनरल के लिए 50% होगा और ओबीसी के लिए 45%। ठीक है, अगर आप इतना जो मार्क्स है वो लाते हैं तो आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है, फिर आपका जो सीबीटी में मार्क्स होगा और जो इंटरव्यू मार्क्स होगा उसे मिला के जो है एक मेरिट प्रिपेयर की जाएगी और उस मेरिट के बेस पे ही आपको सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए मेडिकल में टोटल 80 जो है क्वेश्चन होंगे जिसमें 60 क्वेश्चन जो होंगे विल बी रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड। सेम नॉन मेडिकल फील्ड में भी 80 अगर टोटल क्वेश्चन होंगे जिसमें से 60 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट से ले रहेंगे। ठीक है, तो देखिए ग्रुप वन बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी वायरोलॉजी ऐसे सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, ग्रुप टू में सोशियोलॉजी सोशल वर्क, ग्रुप थ्री बायोस्टेटिस्टिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो देखिए बोथ मेडिकल और नॉन मेडिकल में आउट ऑफ 80 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू बायोस्टैट, कंप्यूटर कंप्यूटर स्किल, जनरल साइंटिफिक नॉलेज, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग डेवलपमेंट बायोमेडिकल साइंसेज, कॉमन सेंस एंड लिटरेचर स्किल्स, स्टेटिस्टिक्स, जनरल अवेयरनेस। तो इससे जो क्वेश्चन होंगे वो 20 रहेंगे और जो रिमेनिंग 60 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। ठीक है, अब देखिए जो एग्जाम होगा ये बहुत सी सिटीज में होगा इंडिया की, तो आप जिस सिटी के पास रहते हैं या जिस स्टेट के पास रहते हैं आपके पास जो सिटी पड़ती है तो वहां जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का रहेगा, साथ में जो निगेटिव मार्किंग भी दे रखी है 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहेगी और जो ड्यूरेशन होगा वो 80 मिनट्स का होगा। तो आपको 1 मिनट में 1 क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो टोटल ड्यूरेशन 80 मिनट्स रहेगा और क्वेश्चन भी 80 रहेंगे। देखिए इन्होंने जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जिसकी मैं बात कर रहा था वो भी यहाँ मैंसेज कर रखा है। तो जनरल के लिए 50% मार्क क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, EWS के लिए भी 50% रहेगा, वहीं OBC के लिए 45% और SC ST और PWD के लिए 40% जो है मार्क्स रहेगा। इसके साथ जो है आपको ऑनलाइन जो फॉर्म है वो फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आपको भेजना है और साथ ही साथ जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है मार्कशीट की 10th 12th की और जो हायर क्वालिफिकेशन BSc MSc की वो सब भी आपको अटैच करना है, साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना है। अगर आप SC ST से अप्लाई कर रहे हैं या OBC से अप्लाई करें तो आपको लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट भी भेजना है। ठीक है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां से आप NOC सर्टिफिकेट आपको भेजना है। तो ये सब जो चीजें हैं वो आपको भेजनी है ICMR को। ठीक है, तो चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज देख लेते हैं। तो देखिए जो एग्जामिनेशन सेंटर्स या सिटीज है वो यहाँ पे मेंशन कर रखी, जैसे टोटल जो एग्जामिनेशन सिटी 22 है तो आप जिस सिटी के पास आपका घर हो या आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप जो है उसे एज फर्स्ट चॉइस प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो आपने चूज किया एग्जामिनेशन सेंटर वो ही आपको सेंटर दिया जाए। अब एक सिलेबस इन्होंने बोला है, द सिलेबस फॉर द सीबीटी विल बी ऑफ MBBS लेवल फॉर मेडिकल साइंटिस्ट एंड MSc लेवल फॉर नॉन मेडिकल साइंटिस्ट। साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि MBBS लेवल का होगा मेडिकल लोगों के लिए और जो नॉन मेडिकल एस्पिरेंट है उनके लिए होगा MSc लेवल का। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो आप पढ़ सकते हैं और आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पूरा आपको इंस्ट्रक्शन आप दे रखा है, सब कुछ दे रखा है कि आपको कैसे पढ़ना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बोली है क्योंकि ICMR का एग्जाम है, जैसे आप नीट वीट का एग्जाम भी कभी आपने दिया होगा तो उसमें जो क्या करना पड़ता है कि आपको फोटो खिंचानी पड़ती है जिसका जो बैकग्राउंड होता है वो व्हाइट होना चाहिए और आपको एक जो डेट है ठीक है जिस दिन आपने फोटो क्लिक की है तो उसे एक प्ले कार्ड में मेंशन करना होता है। आपको पकड़ के प्ले कार्ड को खड़े होना पड़ता है और तब आपको फोटो क्लिक करनी होती है और वही फोटो जो है आपको अपलोड करनी होती है नीट के एग्जाम में या ICMR के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें। अगर आप एडिटिंग, इन्होंने बोला है अगर आप एडिटिंग करेंगे यानी फोटो में आप जो डेट है उसे मेंशन करेंगे और नेम मेंशन करेंगे तो वो जो करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये रिस्क आप मत लीजिएगा, आप जो है प्ले कार्ड में ही अपना नाम और अपनी जो डेट है
टेक जिस दिन आपने फोटोग्राफ ली है वो डेट जो है और नाम को मेंशन करके आप उसका फोटो क्लिक करिएगा, ठीक है। तो देखिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और इन्होंने जब से मेन पॉइंट बोला है कि रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होगा आईसीएमआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप जो एग्जाम देने के बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे कंटिन्यू चेक करते रहिए, ठीक है। तो यही मेरा एक छोटा सा अपडेट था जो साइंटिस्ट बी पोजिशन के लिए था जो कि आईसीएमआर ने निकाला था। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।